आईएलटीएस का स्पीकिंग अगर ये सुनते ही आपका बोलती बंद हो जाता है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ब्लेसी कोशी और मैं मेचरी इंटरनेशनल एकेडमी तिरुवल्ला ब्रांच में आईएलटीएस ट्रेनर हूँ। आज इस वीडियो में हम आईएलटीएस की स्पीकिंग को जरा बारीकी से परख के देखते हैं। पहले ये देखते हैं इसमें कितना पार्ट्स है। पहला उसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू, दूसरा लॉन्ग टर्म और तीसरा डिस्कशन। आइए देखते हैं पार्ट वन यानी कि इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू। इसमें सबसे पहले आपसे तीन सवाल पूछे जाते हैं। पहला, व्हाट इज योर फुल नेम, दूसरा, हाउ मे आई एड्रेस यू, एंड थर्ड, योर आईडी फॉर वेरिफिकेशन। पर याद रखिएगा, आप जैसे ही एग्जामिनर के पास पहुंचते हो रिकॉर्डर तो ऑन ही है, पर ये तीन सवाल असेसमेंट का भाग नहीं है। आगे आपसे फेमिलियर टॉपिक पर क्वेश्चन किया जा सकता है, जैसे कि हुआ होम, होम टाउन, वर्क, स्टडी, नहीं तो ट्रांसपोर्ट। अभी इससे आगे आपको आपका रोजमरोज नहीं तो आम अनुभव पर प्रश्न किया जा सकता है, जैसे कि हुआ म्यूजिक, डांस, हॉबीज, नहीं तो सनग्लासेस। आगे अगर आपके मन में ये सवाल उठा कि इसमें कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये पूरे सेक्शन के लिए 4 से 5 मिनट अलॉट किया जाता है। इसमें क्वेश्चन का नंबर्स तो अस्थिर है, पर आपके टॉपिक्स पे स्थिरता रखने के लिए वो हर टॉपिक यानी कि सनग्लासेस, म्यूजिक, डांसेस ऐसे टॉपिक्स में 4 से 5 सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं पार्ट टू यानी कि लॉन्ग टर्म की ओर। नाम सुनते ही आप समझ गए ना, थोड़ा लंबा बात कर रहा है। जी हाँ, इस पार्ट में आपको थोड़ा लंबा बात करना है, पर डरिएगा मत, आपको एक पर्टिकुलर प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। उसमें एक मेन क्वेश्चन होता है और उससे रिलेटेड 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके प्रिपरेशन के लिए पेन, पेपर और 1 मिनट का टाइम भी दिया जाता है। पर ध्यान ये रखना है, आपको बात 1 से 2 मिनट तक करना ही पड़ेगा। आपको जवाब देते वक्त ये ध्यान देना है कि आपका जवाब संबंध, एकजुटता और एकदम सरल रूपेण होना चाहिए। दोस्तों पार्ट टू के लिए एलोकेटेड टाइम 3 to 4 मिनट्स होता है। तो आगे बढ़ते हैं पार्ट थ्री यानी कि डिस्कशन की ओर। पार्ट थ्री हमारे आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट का लास्ट एंड फाइनल पार्ट है। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन होता है। अब ये टॉपिक कहाँ से आता है? आइदर ये अपने क्यू कार्ड होगा, नहीं तो क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई टॉपिक्स होगा। मान लीजिए आपका सवाल था सिटी यू हैव विजिटेड, तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स क्या क्या आ सकता है? टूरिज्म, इको टूरिज्म, टूरिज्म का एक एसेंशियल पार्ट है हॉस्पिटैलिटी, वो हो सकता है, नहीं तो ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है जो टूरिज्म से रिलेटेड है। तो वापस आपके मन में ये सवाल उठा कि इसमें कितना सवाल पूछा जाता है, तो दोस्तों पार्ट वन की तरह ही इसका एलोकेटेड टाइम 4 to 5 मिनट्स है। इसमें आपका जितना लंबा जवाब उतना आपसे कम सवाल, तो ध्यान रखिएगा जितना आपका लंबा जवाब होगा उतना ही बेहतर होगा। तो ये खत्म हुआ अपना आईएलटीएस का स्पीकिंग मॉड्यूल। दोस्तों पार्ट 1, 2 और 3 कुल मिला के कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 मिनट में आपका स्पीकिंग खत्म हो जाता है, यानी कि 15 मिनट के अंदर ही अंदर आपका आईएलटीएस का स्पीकिंग मॉड्यूल खत्म हो जाता है। होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा और थोड़ा सा यूजफुल लगा है। अगर दोस्तों आईएलटीएस के बारे में और जानकारी चाहिए तो फॉलो अस ऑन आवर FB पेज मेचरी तिरुवल्ला, नहीं तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन, इट्स ब्लेसी कोशी साइनिंग ऑफ। मेचरी इंटरनेशनल एकेडमी, ट्रस्टेड हैंड्स फॉरएवर।